जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जो मंत्रा में। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप ही का अपना YouTube चैनल है। यहाँ पर आपको मौसम से संबंधित फल फल की अपडेट मिलती रहती है और आप लोगों के कमेंट भी करके पूछ सकते हो। जो भी आप कमेंट करके हमसे पूछोगे कि हमारे सिटी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट है, हमारे राज्य में कैसा मौसम रहने वाला है, आंधी आने वाली है या फिर तूफान आने वाला है या बारिश या फिर आकाशीय बिजली का खतरा है, तो हम आपके लिए खबर सबसे पहले लेके आते हैं। जैसे मौसम विभाग का अपडेट आता है, जैसे मौसम विभाग का अलर्ट आता है, जैसे मैंने फानी तूफान को लेकर पूरा कवरेज आपको दिया था, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट किया था और बहुत ज़्यादा विश्वास भी किया था, उसी तरह हम आपके लिए फिर से आज एक खबर लेके आए। पश्चिमी विक्षोभ, आप अगर नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ, पश्चिमी विक्षोभ बोले तो आपकी जो पश्चिमी राज्य हैं गुजरात, राजस्थान और दिल्ली या फिर आपका उधर उत्तराखंड है, पंजाब भी, हरियाणा, ये उत्तरी भारत के लगभग 5-4 राज्य कवर होते हैं इसके अंदर, वहाँ पे आपको पश्चिमी विक्षोभ के तहत बारिश होती है, क्योंकि मानसून नहीं बोल सकते इसको, एक विक्षोभ के तहत जगह जगह बारिश इसमें होने के पूरे चांसेस रहते हैं, उसी को लेकर के ये पूरी खबर है। आंधी और तूफान से संबंधित भी खबर है कि आंधी और तूफान कहाँ पे आने वाला है, तो इस वीडियो में सारा हम बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वेदर अलर्ट, बदलेगा मौसम, दिल्ली NCR में धूल भरी आंधी, हिमाचल में ओलावृष्टि की चेतावनी। नई दिल्ली, जैन दिल्ली NCR के साथ हिमाचल प्रदेश और आसपास के इलाकों में लोगों की तपती गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का अनुमान है कि आज से पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो सकता है, इससे हल्के बादल छाए रहने और जो धूल भरी आंधी चलने की संभावना है और हिमाचल में 10, 11 और 13 मई को आंधी और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। भारत के कई हिस्सों में बीते कुछ दिनों चल रही धूल भरी आंधी का असर दिल्ली NCR को हवा पर भी दिखाई दे रहा है और दिल्ली NCR में आसमान की धूल कणों में मात्रा बढ़ रखी है और इससे सांस संबंधी बीमारियों की मरीजों को तकलीफ बढ़ गई है और अब पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने पर हवा की सेहत में सुधार की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते 13 और 14 तारीख को तेज हवा के साथ बारिश होने के आसार है और सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च ने बृहस्पतिवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 408 AQI दर्ज किया। वहीं CBC केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे बेहद ख़राब 347 AQI गंभीर दर्ज किया है। यदि बारिश कम या नहीं होती है तो पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात में चली धूल भरी आंधी के कारण दिल्ली NCR हवा में धूल के कणों की मात्रा बढ़ सकती है। भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय मौसम विभाग केंद्र ने ओडिशा में 5 जिलों में गरज चमक के साथ आंधी फानी का अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है उन्हें रायगढ़, गजपति, गंदमान और गंजाम और नयागढ़ शामिल है। मौसम विभाग के मुताबिक इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। इन जिलों में लोगों की सलाह दी कि घरों में ही रहें और हिमाचल में आंधी चलने और ओलावृष्टि से सेब की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका से बागवानों को चिंता बढ़ गई और बृहस्पतिवार को तक तेज गर्मी के कारण लोगों को लू का सामना करना पड़ा है। और बृहस्पतिवार को प्रदेश में सभी अधिक तापमान ऊना में 41.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और देश के सभी अधिक गर्म हिस्सा रहा है और जहां अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और शुक्रवार को 50 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलने की आशंका जताई गई। यह है पश्चिमी विक्षोभ। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में सर्दियों के मौसम में आने वाले ऐसे तूफान को कहते हैं जो वायुमंडल की ऊंची तहों के भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर और कुछ हद तक कैस्पियन सागर से नमी लाकर उसे अचानक वर्षा और बर्फबारी के रूप में उत्तर भारत, पाकिस्तान और नेपाल में गिरा देता है। यह गैर मानसूनी वर्षा है जो पछुआ वन द्वारा संचालित होती है। ऐसे होता है उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर में अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के रूप में उत्पन्न होता है और यूक्रेन और उसके आसपास के क्षेत्रों का उच्च दबाव क्षेत्र समेकित होने के कारण दूरी क्षेत्रों में उच्च नमी के अपेक्षाकृत गर्म हवा के एक क्षेत्र की ओर ठंडी हवा का प्रवाह होने लगता है। इससे ऊपरी वायुमंडल में साइकोलॉजिकल के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न होती रहती है जो एक पूर्वमुखी बढ़ते एक्सटेट्रोफिकल डिप्रेशन के गठन के मददगार होता है और फिर धीरे धीरे वह चक्रवात ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य पूर्व से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करता है। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रभाव खासकर
निचले मध्य इलाकों में भारी बारिश तथा पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका इसकी रहती है। और कृषि में इस वर्षा का बहुत महत्व है, विशेषकर रबी फसलों के लिए। उनमें से गेहूं सबसे महत्वपूर्ण फसल है और जो भारत की खाद्य सुरक्षा को पूरा करने में भी मदद करता है। तो दोस्तों देखा आपने पश्चिमी विक्षोभ भी जाना और बारिश का कहाँ पर हो सकती है, कहाँ पर तूफान आ सकता है, तो पूरा इन्फॉर्मेशन जानी आप किस राज्य और किस सिटी हो वहाँ का मौसम जानना है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और बाकी आप चैनल में बने रह सकते हो, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जय भारत।